अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे क्रीमी कढ़ाई चिकन, जिसके लिए हमें चाहिए होगा 1 kg चिकन जो कि हमने धोकर रखा हुआ है, 250 ग्राम दही, 4 बड़े टमाटर जिनको हमने मिक्सी में पीस लिया है, और 200 ग्राम क्रीम, 2 बड़े प्याज हमने काट लिए हैं, 1 बड़ी शिमला मिर्च ये भी हमने काट ली, और ये कुछ सूखे मसाले हैं, और लहसुन अदरक, और गार्निशिंग के लिए धनिया और हरी मिर्च। ये कुछ सूखे मसाले हैं जो हम छौंकते में डालेंगे, ये मैरिनेट करने में डालेंगे हम मसाले, जिसमें 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच कोरिएंडर पाउडर, 1 छोटी चम्मच जीरा पिसा हुआ, और 1 छोटा चम्मच नमक, और 1/2 चम्मच काली मिर्च, ये हम डालेंगे मैरिनेशन में, और ये हमारा जाएगा ग्रेवी में। इसके लिए हमें 1 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच नमक, और 1/2 चम्मच गरम मसाला, 1 छोटी चम्मच और 1 छोटी चम्मच जीरा पाउडर। आइए हम मैरिनेट करते हैं। इसमें डालेंगे हम 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, ये सूखे मसाले जो हमने रखे थे, दही, दो बड़े चम्मच, ये हम इसमें डाल के अब इसको मैरिनेट कर लेंगे। इसको हम अच्छे से मिला लेंगे ताकि कोई भी पीस बिना मसाले का या बिना दही का ना रह जाए। इसको हम अच्छी तरह ऊपर नीचे करेंगे, ये देखिए हमारा मैरिनेट अच्छे से हो चुका है। अब इसको हम 1 घंटे के लिए फ्रीजर में रख देंगे, और 1 घंटे बाद हम पकाना शुरू करेंगे। सूखे मसालों में जो कि हमें ग्रेवी के लिए चाहिए, उसमें हमें 1/2 चम्मच हल्दी और डालनी थी जो कि हम भूल गए थे, अब डाल रहे हैं। ये देखिए हमारा चिकन मैरिनेट हो चुका है, और इसको हम ये हमने 1 घंटा मैरिनेट किया है, इसमें मसाला बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम अपना तेल गरम करेंगे, और अब हम आगे बढ़ते हैं। आइए, तेल हमारा गरम हो चुका है अच्छे से, और इसमें हम डालेंगे अब ये 2 तेजपात के पत्ते, 1 ये बड़ी इलायची, 3 हरी इलायची, और 1-1 इंच के 3 सिनेमन स्टिक के टुकड़े। जीरा हम बाद में डालेंगे, इसमें नहीं डालना हमें जीरा। इसमें अब हम डालेंगे प्याज, तेल आपकी मर्जी है, आप कम खाएं तो कम लें, वैसे इसमें तेल ज्यादा ही अच्छा लगता है, और इन चीजों में ज्यादा ही तेल मिलता है। प्याज को हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। देखिए हमारी प्याज बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, और इसमें अब हम डालेंगे 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, ऐसे हम भूनेंगे। हमारा लहसुन अदरक का पेस्ट बिल्कुल भून चुका है, अब इसमें हम डालेंगे टमाटर। गैस का फ्लेम हम तेज कर लेंगे क्योंकि हम मसाले डालेंगे, और इसमें काफी पानी अपना पानी छोड़ेंगे, तो इसलिए हमें इसका फ्लेम तेज रखना है। और इसमें डालेंगे हम दही, इसको हम फेंट लेंगे।
इसमें डालेंगे हम अपने तमाम सूखे मसाले। जीरा, अब इस मसाले को हम बहुत अच्छे से भून लेंगे और इतने हम अपनी एक अलग पैन में ये प्याज शिमला मिर्च फ्राई करेंगे, क्योंकि हम इसमें फ्राई करके इसमें छोड़ देते तो ये सॉफ्ट बिल्कुल सॉफ्ट हो जाती, जो कि हमें सॉफ्ट नहीं रखनी। देखिए ये हमारा मसाला भून रहा है, इतने हम इधर शिमला मिर्च फ्राई करेंगे। इसमें हमने एक चम्मच ऑयल डाल लिया है, उसके बाद हम इसमें डालेंगे शिमला मिर्च। ज्यादा तेल हमें इसमें नहीं डालना, क्योंकि तेल हमारा काफी उसमें है। ये देखिए हमारी शिमला मिर्च अच्छे से हो चुकी है, ये देखिए हम इसे बंद कर देंगे। देखिए हमारा मसाला इसमें से बिल्कुल भून चुका है और इसमें से बहुत अच्छी महक आ रही है, ये देखिए बिल्कुल अच्छे से भून चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे चिकन, जो कि हमने मैरिनेट करके रखा हुआ है, और इसे हम अब इसे हम अच्छे से मिलाएंगे, ये देखिए। और अब ये बहुत पानी छोड़ेगा और हम इसमें एक बूंद भी पानी नहीं डालेंगे, हम इसको इसके ही पानी में होने देंगे, सिर्फ इसको हम कवर करेंगे। और इसमें हम डालेंगे शिमला मिर्च जो कि हमने फ्राई की थी, और इसमें हम शामिल कर देंगे। देखिए कितना अच्छा कलर आया है इसका, जिसमें अभी ये तैयार भी नहीं है। जब ये तैयार हो जाएगा तो ये बहुत ही अच्छा लगेगा खाने में भी और देखने में भी। इसे हमने कवर कर दिया है और इसको हमने मीडियम फ्लेम पे कर दिया है, और इसको हम 5 मिनट बाद फिर दोबारा से खोल कर देखेंगे, उसके बीच में हम इसे नहीं छेड़ेंगे। अभी 5 मिनट बाद देखेंगे अपने चिकन को खोल कर देखेंगे, 5 मिनट बाद हो चुके हैं, ये देखिए हमने पानी इसमें भून भी नहीं डाला था और इसने कितना पानी छोड़ा है। चिकन हमारा गल चुका है, ये देखिए तमाम बोटियां खुल चुकी हैं इसकी, और अब गैस का फ्लेम हम तेज करेंगे और इसे हम भूनेंगे। ये देखिए चिकन हमारा भून चुका है, जरा सा रह गया है। ये देखिए मसाला हमारा फटने लगा है, और इसको इसमें हम नमक रखेंगे, नमक कम तो नहीं है। नमक डाल दीजिए इसमें थोड़ा सा, इसमें थोड़ा हल्का है नमक। लेकिन डालिए का टेस्ट करो, ये देखिए हमारा चिकन बिल्कुल भून चुका है, बिल्कुल तैयार है। अब इसमें आप
पानी डालना चाहें, थोड़ी सी इसकी ग्रेवी पतली रखनी चाहें तो आप इसमें पानी डाल सकती हैं। वैसे मैं इसमें पानी नहीं डालूंगी क्योंकि क्रीम डालने के बाद काफ़ी सही हो जाएगा। ये देखिए हम गैस बंद कर देंगे और जो मेन चीज़ है इसमें सबसे ज़्यादा मेन है, अब हम इसमें वो डालेंगे अपनी क्रीम। यह आधी क्रीम हमने इसमें डाल दी है और आधी क्रीम हमने बचा ली है। क्यों? जब हम प्लेटों में या डिश में निकालेंगे तो आधी क्रीम हम इसमें जब डाल डाल के ऊपर से देंगे गार्निश करके। ये हरी मिर्ची डाल दी हमने इसमें, और ये कढ़ाई क्रीमी चिकन हमारा बिल्कुल तैयार है। आप खाइए, अपने दोस्तों को खिलाइए। जितना ये देखने में अच्छा लग रहा है इतना ये खाने में अच्छा है, ये बहुत अच्छा लगता है। अपने बच्चों को खिलाइए, अपने घर वालों को खिलाइए और हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।